ये हमारे पास लैब नंबर 6 का ही पार्ट है. इसके अंदर हमने कॉमन गेट एनालिसिस की है, लेकिन ये इसकी हमने एसी एनालिसिस की है. जैसे कि हमने पीछे कॉमन सोर्स की एसी एनालिसिस की थी, सिंपल मॉस्फेट है, रजिस्टर है, वही रजिस्टर लगा दिया कि हमने इसका VGS सेट कर दिया. और हमने क्या किया, पहले हमने जब हम कॉमन सोर्स एनालिसिस कर रहे थे तो हमने गेट की साइड पे हमने कैपेसिटर लगाया था. अब हम जब हम कॉमन गेट एनालिसिस कर रहे हैं तो हमने सोर्स की साइड पे कैपेसिटर लगाया है, ठीक है. इसकी पॉजिटिव लेग जो है हमारे पास सर्किट के अंदर है. VGS हमें सेट कर देना है इस तरह के RS की वो वैल्यू डाल के जो कि हमारे पास 1.7 वोल्ट्स थे. और सिंपली हमारे पास RD है 1K रहेगा. फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ हम कैपेसिटर की जो नेगेटिव लेग है वहाँ पे हम वो इनपुट देंगे, मतलब हम फंक्शन जनरेटर से इनपुट देंगे. अब जो इनपुट होगा वो सबसे मिनिमम वोल्टेज होगा और जो फ्रीक्वेंसी है वो आप सेट कर सकते हैं 1 kHz में ही, मतलब 500 से अबव और 1 kHz से कम, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग फंक्शन जनरेटर की इनपुट दे देंगे, ग्राउंड कर देंगे. और जो हम उसका क्या कहते हैं, हम जो हम आउटपुट मेजर करेंगे ऑसिलोस्कोप से वो हम ड्रेन की साइड पे रख के निकाल लेंगे, ठीक है, कि हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है. सही है, सिंपल सर्किट है और हम लोग इसे इजीली मेजर कर सकते हैं. तो इसका तकरीबन जो वी आउट होगा ड्रेन पे जो आएगा वो हमारे पास 3.16 वोल्ट होगा. मतलब मेरे पास तो यही आया हुआ है और मेरा इनपुट वोल्टेज जो है वो था 54 मिली वोल्ट्स. तो उसके हिसाब से गेन भी हम लोग निकाल रहेंगे इजीली. सही है.